यूपी विधानसभा चुनावों के तहत राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हर पार्टी जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है और अब इन सबके बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर में दलित परिवार के घर जाकर खाना खाया। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद झुमिया गेट स्थित गोरखपुर फर्टिलाइजर पहुंचे। पार्टी के कार्यकर्ता दलित अमृत लाल भारती के घर गए और खाना खाया। सीएम योगी ने इस दौरान प्रदेश और देशवासियों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, केंद्र की योजनाओं का लाभ यूपी के परिवारों को मिला है। गैस सिलेंडर, बिजली, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिला है। कोरोना महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, उपचार और राशन की व्यवस्था की गई है। वैक्सीन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार का ये डबल डोज है। महीने में दो बार राशन फ्री दे रहे हैं। यही समता मूलक समाज की स्थापना का, भ्रष्टाचार मुक्त समाज और सुशासन का हिस्सा है। भाजपा अपने इस मिशन को लेकर आगे बढ़ी है। मकर संक्रांति के मौके पर सभी को धन्यवाद। दलित कार्यकर्ता को धन्यवाद कि उन्होंने खिचड़ी के मौके पर मुझे खाने का आमंत्रित किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बेहद ज़रूरी दलित कार्ड खेला गया है। दलित के घर जाकर उन्होंने खाना खाया, जिससे मालूम पड़ता है कि इस बार राम मंदिर की आड़ के साथ साथ योगी आदित्यनाथ समानता का नारा देकर भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।